फिल्लौर में जो धम्मा फेडरेशन है वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत होने के बाद पता चला कि पंजाब के अंदर जो भिक्खु हैं या मंक हैं उनको कहीं कहीं भिखारी भी समझा जाता है। ये बात वहाँ आई तो इस बात को आज स्पष्ट करेंगे कि भिक्खु या भिक्खुणी क्या हैं और कैसे हैं। भिक्खु और भिक्खुणी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के टीचर रहे हैं, छोटे टीचर, बड़े टीचर, प्रोफेसर टीचर, और भिक्खु और भिक्खुणी का नाम वहीं से पड़ा है। भगवान के समय में कोई भी भिक्खु या जो भिक्खुणी है उसने कभी भी भिक्षाटन यानी भिक्खा नहीं मांगी, यानी कि वो कभी भी मांगने नहीं गया। होता क्या था कि भगवान बुद्ध तथागत या अमिताभ बोलें, अमिताभ जो कि आभा, जिनका जो आभा है वो अमिट है यानी कि बहुत ज़्यादा है, और तथागत ने, बुद्ध ने जब अपने स्टूडेंटों को पढ़ाना शुरू किया तो उनमें सबसे पहले जो स्टूडेंट आए उनके साथ में उनको वो सामनेर बोला करते थे, या सामनेर वो होते थे जिनको सिखाया जाता था, और सामनेर जब सीख जाते थे तो उनकी उपसंपदा होती थी। उपसंपदा का मतलब है कि उनको देखना सिखाया जाता था कि चीज़ों को कैसे देखें, उसको उस समय की भाषा में दिक्खा बोलते थे, और यानी दीक्षित हो गए। दीक्षित का मतलब है जो आज में हम हिंदी में बोलते हैं दीक्षित हो गए, तो दीक्षित उस समय के दीक्षित हैं। दीक्षित होने के बाद में उपसंपदा हो गई यानी कि उनका एक संस्कार हो गया, पूरा जो संघ था भगवान बुद्ध या उनके जो जितने भी शिष्य होते थे जो सीखे हुए होते थे वो बैठते थे और वो उनकी एक परीक्षा लेते थे, यानी कि जो स्टूडेंट आए हैं नए और जो सीख रहे हैं उनकी एक परीक्षा होती थी, उनका एक एग्जामिनेशन होता था और वो सबके सामने होता था, उनसे पूछा जाता था। जब वो सारी स्थिति को क्लियर कर देते थे और भिक्खु संघ जब इस बात के लिए पूरी तरह से निश्चित हो जाता था कि अब ये सीख गया है तो उसको उपसंपदा बोलते थे और उसको कहते थे कि अब इसकी दीक्षा हो गई, ये दीक्षित हो गया, यानी आज की डेट में दीक्षित हो गया, अब ये देख सकता है चीज़ों को। तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसी महिला को भिक्खु या भिक्खुणी बोलते थे, या आज की डेट में हम उनको कहें कि टीचर बोलते थे कि वो टीचर पूरी तरह से हो गए। तो ऐसे भिक्खु या भिक्खुणी या जो भी लोग होते थे वो दूसरे स्टेप पे आते थे, यानी सामने के बाद में वो भिक्खु बनते थे, और 10 साल तक जो लगातार भिक्खु जीवन यापन करते थे या भिक्खुणी जीवन यापन करते थे उनको फिर थेर बोलते थे या थेरी बोलते थे, महाथेर या महाथेरी या महाथेरा, या उनको बोलते थे कि इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, यानी 10 साल तक इनको पढ़ाते पढ़ाते हो गया है, इसलिए अब ये बड़े भिक्खु हो गए। मगर बहुत बड़े नहीं हुए, क्योंकि 10 साल से 20 साल तक जो भिक्खु लगातार जीवन में आता था तो 20 साल के बाद उसको फिर महाथेर या महाथेरा या महाथेरी बोला करते थे, यानी कि वो उनसे भी ज़्यादा बड़े भिक्खु। भिक्खु संघ के अंदर जो नियम बनाए उसमें कहीं पर भी इस बात का कोई लॉजिक नहीं है कि अगर आप 60 वर्ष की आयु में आके भिक्खु बने तो आपका जीवन 60 का है। वहाँ जब आपकी उपसंपदा होती थी, जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती थी, उससे आपकी आयु काउंट होती थी, और भिक्खु की आयु उसी समय से मानी जाती थी, किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, और कोई अगर 10 साल की जीवन में आ जाए तो उसका फिर आगे और भी ज़्यादा जीवन भिक्खु में रहता था, ये उनका भिक्खु का काल था। तो भगवान बुद्ध ने जो उनको नाम दिया यानी भिक्खा, भिक्खा का मतलब है भ्रमण करते हुए शिक्षा देना और बदले में इतना भोजन ले लेना जितना संघ के लिए उस दिन के लिए ज़रूरत है, वो भी सिर्फ वो जाके खड़े होंगे, मांगेंगे नहीं, अगर देख लिया किसी ने तो उनको वो भिक्षा देगा। भिक्षा लेने के बाद में ये कंपलसरी था कि वो उसको पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे, अगर एजुकेट नहीं करेंगे तो शिक्षा नहीं देंगे तो भिक्षा यानी खाना नहीं लेंगे, और खाना लेंगे 5 घर में वो जाएंगे, 5 घर में अगर उस दिन खाना मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज वो भिक्खु संघ में वापस आ जाएंगे, और भिक्खु संघ में जब सारा खाना इकट्ठा होता था फिर सारे भिक्खु मिलके उसको खाते थे। इसके अलावा कोई भी चीज़ उनको लेने के लिए बिल्कुल स्पष्ट मनाई थी, वो कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं कर सकते थे और अपने मुँह से मांग नहीं सकते खाना, यानी आपके दरवाजे पर खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि आप उन्हें खाना दें या कोई चीज़ दें, आपने देख लिया दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मगर वो खाने के बदले में हमेशा आपको शिक्षा देंगे, इसलिए इसको भिक्खा या भ्रमण करते हुए शिक्षा बोला गया, और इसलिए उनको भिक्खु या भिक्खुणी या भंते
या स्थिविर या महास्थिविर, ये सारे एक नाम हैं। महास्थिविर हैं, भंत हैं, थेरा हैं, थेरी हैं, ये सारे के सारे एक नाम हैं। और इस पूरे के पूरे भिक्षा मांगने के नियम को और भिक्कु और भिक्कुणी के जीवन में कैसे उनको चलना है, ये सारे के सारे अंडर रूल आते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय या कोई भी पूरे विश्व में इस बात को ना समझे कि ये बिना ट्रेंड किए हुए, क्योंकि ये सारे ट्रेंड हैं, इनको कहीं ना कहीं दीक्षित हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और वो एक नियमों से बंधे होते हैं जो भगवान बुद्ध ने बनाए थे, जिनको विनय पीठक बोलते हैं। उसमें सारे नियम हैं भिक्कू के और भिक्कुणी के, और उन आदेशों को, उन नियमों को उन्हें मानना पड़ेगा, अदरवाइज वो भिक्कू और भिक्कुणी की श्रेणी में नहीं आते। और भिक्कू या भिक्कुणी, स्थिविर, महास्थिविर, भंते या क्या बोलते हैं आप ये कहें कि थेरा या महाथेरा, या संस्कृत में कहें तो भिक्षु भिक्षुणी, हिंदी में कहें तो भिक्षु भिक्षुणी, ये कहीं भी आपको जीवन में कभी भी भीख मांगते हुए नहीं दिखाई देंगे, ना ही ये भीख मांगते। ये अपने खाने के लिए खड़े होते हैं सिर्फ, उसके बदले में आपको शिक्षा देंगे। और अगर कोई भीख मांगता है तो आप स्पष्ट रूप से जान लें कि वो ना भिक्कू है ना वो भिक्कुणी है, उसने भगवान बुद्ध के धम्म का अध्ययन नहीं किया है, कहीं और कोई अध्ययन किया होगा। धन्यवाद।